नमस्कार भाई दोस्तों, अपने देश की भी एक खासियत है, लोग तब तक यकीन नहीं करते जब तक उनको सबूत ना दिखाए जाए। आप कोई भी बात बोल दो, उनके पास इतना समय नहीं होता कि हम खुद ढूंढ सकें। लेकिन हाँ, सवाल करने का, क्या कभी सवाल किए हैं? हमारे देश में तो प्रधानमंत्री साहब, गोदी मीडिया इतनी झूठ बोल देती है, कभी उनसे सबूत मांगने की हिम्मत उठाई? आपके मंत्री तक इतनी झूठ बोलते हैं, कभी उनसे सवाल किया? नहीं, कभी नहीं। उनकी बात पर भरोसा करते हैं बहुत जल्दी, क्या इन्होंने सच बोला होगा। एक जिक्र किया था मैंने, बैटल ऑफ सारागढ़ी, याद आ गया होगा सभी को। और हाँ, आज आपको एक 2 मिनट की एक छोटी सी बात बताऊंगा, सवालों के जवाब दे देना। आपके लिए सवाल बहुत होंगे, आपके सवालों के जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन वो सवालों के जवाब देना, आपसे एक सवाल भी करेंगे। बाकी आपको बताया था, जो सारागढ़ी में अपने 21 सिखों ने जो लड़ाई की थी, उनके उसमें 5 गुरुद्वारे हैं, आपको पता हो पंजाब में 5 गुरुद्वारे, जो गोल्डन टेम्पल अपना गुरुद्वारा है उसके सामने गुरुद्वारा है, एक तो उसके सामने है, और जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो फिरोजपुर के अंदर है सारागढ़ी गुरुद्वारा। क्यों है? उसका रीजन है, उसका कारण है, क्योंकि जो सारागढ़ी में 21 सिख शहीद हुए थे ना, सबसे ज़्यादा फिरोजपुर के थे। पंजाब में है फिरोजपुर, कहीं और कहीं सोच जाओ, फिरोजपुर के थे सबसे ज़्यादा सिख, 21 में से भी ज़्यादा फिरोजपुर के थे। 21 के 21 सिख, लेकिन जिले फिरोजपुर के ज़्यादा थे, इसलिए फिरोजपुर में। और एक विशेषता और है उस गुरुद्वारे की, वहाँ पर जो लंगर चखाने आते हैं ना, आर्मी के बड़े बड़े अफसर आते हैं। पता करना इसके बारे में, वहाँ पर एक भाई से संपर्क किया मैंने, बोला माँ भाई एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दे, लोगों को सबूत देखने की आदत है, तो ये देखिए आप। हाँ जी वाहेगुरु जी, सत श्री अकाल। एक गुरुद्वारा सारागढ़ी फिरोजपुर वाला है, इमारत चार श्री थान जरा सुहावना लोग बहन वास्ते भी आए के, ये 21 सिंह जो शहीद हुए, एक उन्होंने नाल सफाई सेवक से, खुदा दाद भी थे, शहीद हो गया खीर। आपको इस वीडियो बनाने वाले की भाई की एक खासियत और बताऊंगा मैं, विशेषता बताऊंगा उसकी, सुनना आराम से। इस भाई के दादा के परदादा शहीद हुए थे सारागढ़ी के अंदर, जिनसे मैंने वीडियो बनवाया है बैटल ऑफ सारागढ़ी में, समझ में आया कुछ, इसलिए मैंने उनसे संपर्क किया था। कोई चीज़ बोली जाती है ना, उसके बारे में पहले पूरा पता कीजिए। आज आपको एक छोटी सी बात बताकर सवाल करूंगा मैं। दो रियासतें, एक बहुत ताकतवर थी, एक क्या थी, अपने ज़्यादा उसमें दान धर्म कर्म में ज़्यादा रहती थी, बाहर से कोई आया और जो दान धर्म कर्म में रहती थी उस रियासत के ऊपर राज कर लिया। लेकिन जो दूसरी ताकतवर रियासत थी उसकी तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लड़ाके भी बहुत थे, वो ताकतवर भी थे, लेकिन नाजायज किसी को तंग नहीं करते थे। वो जो बाहर से लोग आए थे जिन्होंने दूसरी रियासत पर राज किया था, उन्होंने सोचा कि इस पर भी राज करें। जब उस रियासत का जो असली महाराज था, जैसे ही वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने उस पर राज करने की सोची, और उन्होंने उसको भी मतलब के गुलाम बना लिया। गुलाम बनने के बाद जो कमज़ोर रियासत थी, लेकिन जो तगड़ी रियासत थी, ये लोग दबते नहीं थे। इन लोगों ने मन बना लिया कि हमें अब आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मन बनाया तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने लड़ना शुरू किया तो दूसरी रियासत थी, उसने सोचा भाई चलो मिलकर लड़ते हैं, मिलकर आज़ादी मिल जाएगी। वो लोग मिलकर लड़े, आज़ादी मिल गई। जो तगड़ी रियासत थी और जो दूसरी रियासत थी, उसने सोचा भाई अगर ये अलग फिर हो गए तो ये तो ताकतवर हैं, अगर ये ऐसे आज़ादी ले सकते हैं तो ये तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। वो दूसरी रियासत का नाम बता दूंगा, आप समझ जाना अपने आप, संयुक्त पंजाब बोलते हैं उसको। लेकिन लास्ट में सवाल छोड़ूंगा, एक सवाल का जवाब जरूर देना आप लोग। तो वो जो दूसरी रियासत थी, उसने सोचा कि भाई आप हमारे साथ ही मिलकर रहो, आप अपने उसका अलग लेके क्या करोगे। लेकिन उनके मन में एक बात जरूर रहेगी थी, अगर ये अलग हो गए तो ये दुनिया पर राज करेंगे। उनको जाने के लिए, तोड़ने के लिए उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए, तब भी नहीं दबने में आया वो किसी से। एक सांझा वो कर दिया उसका, जो जैसे ही टुकड़े किए उनको एक साझा प्लॉट दे दिया, पानी का भी साझा कर दिया,
उस पानी पर भी अपना अधिकार रखा और उस प्लॉट पर भी अपना अधिकार रखा, आपस में लड़ा रहे हैं दोनों को, और वो दोनों लड़ भी रहे हैं, मना मत करना इस चीज़ को, लड़ रहे हैं, पानी पर भी लड़ रहे हैं और उस प्लॉट पर भी लड़ रहे हैं। उस प्लॉट पर कब्जा कोई और करके बैठा है, कभी सोचा है क्या इसके बारे में? जवाब देना, कौन है ये दो लोग जो आपस में लड़ रहे हैं उस प्लॉट के लिए और पानी के लिए? लड़वाने वाला आराम से उन दोनों चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार जमा के बैठा है, लड़ने वालों के पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे पास पानी है ना वो प्लॉट है, और लड़ रहे हो आपस में। डर लगता है ऊपर वाले को तुम्हारे से? बहुत डर लगता है। आप बताओ कौन है वो जो तुम्हारे प्लॉट पर पानी पर कब्जा करे बैठा है और तुम लड़ क्यों रहे हो? कौन है ये लड़ने वाले? इस सवाल का जवाब चाहिएगा अगले उसमें खुल के बता दिया जाएगा। आपको पता है ना 1937 में सर सिकंदर हयात खान प्रधानमंत्री थे, संयुक्त पंजाब के प्रधानमंत्री चुने गए थे, संयुक्त पंजाब के प्रधानमंत्री। समझ में आए तो बता देना, नहीं आए तो बता देना। कहाँ पे गलती हो रखी है? अपनी गलतियों को ढूंढो, आपस में लड़ना छोड़कर अपनी एकता बनाओ। आपको बताएंगे संयुक्त पंजाब क्यों जरूरी है? आपको तब समझ में आएगा लेकिन जब किसी बात को ध्यान से सुनोगे। हर एक बात आपको खुल के बताई जा रही है, हर चीज़ का आपको इशारा दिया जा रहा है। कमी कहाँ पे आ रही है मैं बताऊँगा। अगर यही वीडियो सबके पास शेयर हो जाए, सबके पास पहुँच जाए और सब आराम से सुने, तो उनको पता लग जाएगा कि हमारे साथ कहाँ पे धोखा हो रहा है। धोखा बहुत बड़ा हो रहा है, और धोखा वो करते जिनको हम चुनते हैं, वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन हम फिर चुन लेते हैं, फिर उनको मंत्री बना लेते हैं, अपना नेता मान लेते हैं, और वही आपको धोखा दे रहे हैं। और आगे भी वही, आगे तक तैयारी कर रखी है आप लोगों की? कहीं सोचो ना कि आपके आगे की कोई तैयारी नहीं, आगे तक की तैयारी कर रखी है आपको लड़ाने की। एक हो जाओ, एक अगर नहीं एक हुए तो अलग अलग पिटोगे, अलग अलग। हाँ उनके तो खून में है भाई, हर दिन एक नया इतिहास रचना, दुनिया में नाम कमाना, लेकिन तुम्हारा ही बड़ा भाई है, आराम से बैठ कर बात करो। आपस में भाई भाई क्यों लड़ रहे हो? बारी दुश्मन से लड़ो ना, जो बारी दुश्मन उनसे लड़ो, भाई भाई मिलके लड़ो। समझ में आए तो ही कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना, अगर समझ में आए तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है। ये दो तरीके से नाम दिखाता है, एक ऑफिशियल दीपक फौजी और एक स्टैंड फॉर फार्मर, दो नाम दिखाता है मेरे चैनल के। आप कोई सा भी सर्च करके देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और फ़ोन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन तब करना अगर आपकी कुछ समझ में आ रहा हो तो, फालतू के वो नहीं कि मेरे को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अभी मैं खुद सर्च कर रहा हूँ इतिहास को, खुद सर्च कर रहा हूँ। आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपको लड़ाया क्यों जा रहा है, हर चीज़ बताई जाएगी, खुल के बताई जाएगी आपको। समझना ना समझना आपके ऊपर है, वीडियो को शेयर करोगे दूसरों को जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो फिर लड़ते रहो। एक हो जाओगे दुश्मन घबराएगा, अलग अलग लड़ोगे दुश्मन खुश, लड़ते रहो आपस में भाई भाई। ये तो आप अमूमन गांव में देख लेना, भाई भाई लड़ते हैं तब दूसरे खुश होते हैं। आपके ऊपर है ये, वीडियो कितना शेयर करते हो, मोबाइल नंबर का सबको पता है, व्हाट्सएप नंबर। फ़ोन मत करना भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फ़ोन नहीं उठाऊँ तो दिक्कत मत लेना। 9518883630। वीडियो को वही शेयर करेगा जिसकी समझ में आएगा। और ये दो चार है ना गलत कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे, इनको इग्नोर कर दो, ये गंदी नाली के कीड़े, गंदी नाली में ही खुश रहने वाले हैं ये, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनसे ऊपर मैं इनको अहमियत नहीं देता जो ये गलत कमेंट कर रहे हैं। ये जो कमेंट कर गलत करते हैं ना, अपने आप का नाम हरियाणवी में दिखाकर सिखों के ऊपर कर रहा है, अपना नाम सिख दिखाकर हरियाणी वालों को कमेंट कर रहा है, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता मैं इनको, अहमियत ही नहीं है इनकी। कभी देखना इनकी डीपी पे इनका फोटो नहीं मिलेगा, डीपी लोक मिलेगी, ये है वो गंदी नाली के कीड़े, इनको इग्नोर कर दो मर जाएंगे ये कहीं, ज़्यादा बाद में नहीं 2014 में पैदा हुए हैं ये, ऐसे ही ख़त्म भी हो जाएंगे ये। आपको एक छोटी सी बात लास्ट में जाते जाते बता देता हूँ, हिटलर ने जर्मनी को 10 साल में बर्बाद कर दिया था, महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका को 10 साल में बर्बाद कर दिया, देख लो भाई 10 साल पूरे होने वाले हैं। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो में और जानकारी मिलेगी आपको।